वेलकम फ्रेंड्स वेलकम टू स्टडी फोकस फॉर फॉर एग्जाम्स कैसे हो भाई आप सभी उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे तो देखिए आज आपका यूपी टैट का एग्ज़ाम था पेपर वन हमने पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन करवा दिया है अब सेकंड पेपर की बात करें जूनियर लेवल की तो उसके अभी हम लेकर आए हैं मैथ्स और साइंस की वीडियो ठीक है जल्दी आपको बाकी सेक्शन की भी वीडियो मिल जाएगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा ठीक है इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ठीक है चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन था द मोनोमर्स ऑफ नेचुरल रबर इज अब देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें पेपर की तो पेपर जो है अगर आपने 2017 वाला पेपर सॉल्व किया है ना यूपी टेट वाला तो वहां से काफी क्वेश्चन देखने को मिले हैं डायरेक्ट ठीक है ऑप्शन भी चेंज नहीं है सारे क्वेश्चन वहीं से हैं मैक्सिमम प्राइमरी सुबह वाली शिफ्ट में भी हमें यही देखने को मिला था और शाम वाली जो जूनियर लेवल का पेपर था उसमें भी यही देखने को मिला है दो वाला पेपर है ठीक है तो देखिए द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर इज तो इसको बोला जाता है आइसोप्रीन पहले भी ये आया हुआ है आपके एग्जाम में ठीक है आइसोप्रीन होता है अगला क्वेश्चन विच कंपाउंड हैज हाइस्ट बॉइलिंग पॉइंट किस कंपाउंड का हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है अब देखिए जो लॉन्गेस्ट चैन होती है ना बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बॉइलिंग पॉइंट उसी का ही सबसे ज्यादा होता है जो लॉन्गेस्ट चैन होती है ठीक है तो इसमें क्या हो जाएगा एन पेंटेन यानी कि नॉर्मल पेंटेन इसका सही आंसर हो जाएगा इसका हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट होता है फिर अगले अगर क्वेश्चन की बात करें द नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स इन मोलिक्यूल्स ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इज तो ये क्या होते हैं फोर एन प्लस टू होता है ठीक है फोर एन प्लस टू इज इक्वल टू सिक्स फाइव इलेक्ट्रॉन पढ़ा था ना तो ये वही इसका सही आंसर है फोर एन प्लस टू फिर अगला अगर क्वेश्चन की बात करें रदर फोर्ड एल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट रिजल्टेड इन टू डिस्कवरी ऑफ अच्छा भाई हिंदी में आप लोग यहां से देख लीजिएगा ठीक है एटॉमिक मास इलेक्ट्रॉन प्रोटोन या फिर न्यूक्लियस इन द एटम तो देखिए जब आपको पता होगा एल्फा पार्टिकल जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि यहाँ से पास हो जा रहे थे तो ये क्या था न्यूक्लियस इन द एटम यानी कि इसका जो सही आंसर होगा परमाणु में नाभिक इसका सही आंसर है ठीक है फोर्थ इसका सही आंसर है ये किसकी डिस्कवरी के लिए था ये था न्यूक्लियस इन द एटम ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर इसमें से कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर नहीं है तो ये है भाई मिल्क इसका सही आंसर हो जाएगा हेट्रोजीनियस नहीं है मिल्क ठीक अगला क्वेश्चन है द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन लिबरेटेड एज बाय प्रोडक्ट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज या प्रकाश संश्लेषण में उ, उत्पाद के रूप में मुक्त ऑक्सीजन का स्रोत है तो यह है जल है या फिर वाटर इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है वाटर इसका सही आंसर है अगला क्वेश्चन द कंपाउंड ऑफ ब्लड दैट प्रिवेंट्स इज क्लोटिंग इन इंटैक्ट ब्लड वेसल्स इज तो इसका जो सही आंसर होगा 97 का हो जाएगा फोर हेपेरिन इसका सही आंसर हो जाएगा या हेपरिन जो भी बोलते हैं ठीक हेपरिन इसका सही आंसर हो जाएगा 98 की अगर हम बात करें कि आइलेट्स ऑफ लैंग्रेंस आर प्रेजेंट इन तो ये कहाँ पर होती है ये होती है भाई पेनक्रियाज में 98 का सेकंड है पेनक्रियाज इसका सही आंसर है ठीक है चलिए एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड या फिर एसिड तो एंजाइम्स क्या होते हैं एंजाइम्स होते हैं भाई प्रोटीन होते हैं ठीक है एंजाइम्स क्या होते हैं प्रोटीन होते हैं फिर विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज ऑल्सो अ विटामिन इन में से कौन सा एसिड या अम्ल विटामिन बी है तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड ठीक है कौन है एस्कॉर्बिक एसिड इसका सही आंसर है व्हाट इज सिल्क फार्मिंग फिर सिल्क फार्मिंग को क्या कहा जाता है ये कहता है सेरिकल्चर कहा जाता है ठीक है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ऑल ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू किंगडम प्रोटेस्टा आर तो उन्हें क्या बोला जाता है 102 का आंसर हो जाएगा थ्री यूनिसेल्यूलर और यूक्रेटिक बोला जाता है ठीक है यूनिसेलर और यूक्रेटिक बोला जाता है फिर ऑफ द द फॉलोइंग पिगमेंट्स इज एसोसिएटेड विद जर्मिनेशन ऑफ सीड ठीक है तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 103 का आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम बोला जाता है ठीक है क्या बोला जाता है फाइटोक्रोम बोला जाता है अगला क्वेश्चन है द टिश्यू दैट कनेक्ट वन बोन विद द अदर बोन इज कॉल्ड लिगामेंट्स बोलते हैं ठीक है एक सौ चार का क्या हो जाएगा लिगामेंट्स हो जाएगा अच्छा भाई अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना वहां पे जल्द ही आपके लिए सुपर टेट के लिए यूट्यूब पर फ्री क्लासेस शुरू हो रही हैं ठीक है ठीके? फ्री क्लासेस शुरू हो रही हैं सुपर टेट के लिए जल्दी अनाउंस हो जाएगा बैच पेड नहीं होगा फ्री है ये ठीक है जल्द ही आपको अनाउंस मिल जाएगा अब कई बार क्या होता है कि भाई YouTube नोटिफिकेशन नहीं देता है तो आपको टेलीग्राम पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है उसका लिंक हमने में हुआ है। और चैनल को भी अकर इन वीवी पेरेज जर्मिनेशन ऑफ सीड्स अकर इन ये कहा होता है ये होता है राइजोफोरा में राइजोफोरा में रिपीटेड क्वेश्चन है पिछली बार भी पूछा गया था राइजोफोरा ठीक है अगला क्वेश्चन है ऐसा यूनिट पूछिए हीट की तो हीट की ऐसा SI यूनिट क्या होती है जूल होती है आसान क्वेश्चन है ठीक अगला क्वेश्चन है पी एफ एंड ए रिप्रेजेंट करते हैं प्रेशर फोर्स और एरिया यानी कि आपसे सीधा सीधा प्रेशर का फॉर्मूला पूछा है तो प्रेशर पी इजीगल्स टू एफ अपॉन ए अब देखिए नॉर्मल इन्होंने ए पी और F और एफ ए पूछा है तो इसका यही आंसर होगा फोर्थ वाला ठीक है अब देखिए क्वेश्चन नंबर 108 की अगर हम बात करें इफ द मोमेंटम ऑफ बॉडी इंक्रीजिज फ्राम टेन यूनिट टू ट्वेंटी फाइव ठीक इन फाइव सेकेंड्स देन वर्क देन वर्किंग फोर्स एक्टिंग ऑनइट तो पच्चीस में से दस गया पंद्रह और कितने टाइम में चेंज हो रहा है पाँच तो पांच दिया पंद्रह यानी कि तीन यूनिट ठीक है तीन इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक अगला क्वेश्चन है मीका इज यूज इन कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज क्यों होता है ये होता है भाई गुड कंड बिकॉज ये क्या है गुड कंडक्टर ऑफ हीट है बट बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए मिका को यूज किया जाता है कुकिंग यूटेंसिल्स में अगला है एंगल ऑफ डिप एट मैग्नेटिक पोल ऑफ अर्थ इज कितना होता है ये होता है नब्बे डिग्री का ठीक है नाइनटी डिग्री इसका सही आंसर है ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर एक सौ ग्यारह रिपीट है ये भी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ अस्टिट्यूंट ऑफ पेट्रोलियम तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोक एक सौ चार का एक सौ ग्यारह का चार आंसर हो जाएगा कोक ठीक है फिर अगला है ए मेटल एम डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड बट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव अ ब्लैक कलर प्रोडक्ट आइडेंटिफाई एम तो ये क्या है कॉपर है भाई इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर ठीक है डायरेक्ट एनसीआरटी की बुक से क्वेश्चन उठाया हुआ है तो कॉपर इसका सही आंसर होता है ठीक है फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स अब इसमें कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स की बात करें तो 16 ग्राम ऑफ सी इसका सही आंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्वेश्चन है इन लेबोरेटरी एंड एसिटलीन कैन किसके डिस्टिंग किया जाता है यह किया जाता है टॉलेंस रिएजेंट के द्वारा ठीक है फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज प्लस टू अब देखिए प्लस टू कब देगा यानी कि यहां पे आपका नेगेटिव चाहिए तो फ्लोरीन का माइनस वन होता है दो मोलिक्यूल तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक का तीन थर्ड इसका सही आंसर हो जाएगा एक की बात करें साउंड वेव कन्दिस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी रेयर इन टेन मीटर लेंथ द ऑफ वेव इज तो ये हो जाएगी भाई एक सौ सोलह का आपका आंसर हो जाएगा पचास पचास सेंटीमीटर ठीक है एक सौ सोलह का हो जाएगा पचास सेंटीमीटर आपका सही आंसर होगा फिर देखिए एक सौ सत्रह की अगर हम बात करें ये भी क्वेश्चन रिपीट है दो हजार सत्रह में सेम क्वेश्चन पूछा गया था तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइन बाई एट ठीक है नाइन बाई एट इसका सही आंसर हो जाएगा फिर अगला है इन हाउस होल्ड वायरिंग वॉट इज द कलर ऑफ अर्थ वायर अर्थ वायर का कैसा कलर होता है ये होता है ग्रीन एक सौ अट्ठारह का हो जाएगा चार ग्रीन इसका सही आंसर है फिर अगले क्वेश्चन की बात करें किर्च करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ ये है भाई एनर्जी पर डिपेंड है ठीक है किच करंट लॉ बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है ठीक है तो एनर्जी इसका सही आंसर हो जाएगा फिर अगला क्वेश्चन की बात करें द डेसिमल नंबर ऑफ इक्वलेंट ऑफ बाइनरी नंबर तो ये किसके कौन सा है तो ये है भाई तेहरा इसका सही आंसर हो जाएगा एक सौ बीस का हो जाएगा सेकेंड थर्टीन इसका सही आंसर है ठीक है जल्दी आपको देखिए मैथ्स की वीडियो मिल जाएगी इसी में ही मैथ्स की वीडियो अभी थोड़ी देर में अपलोड कर देंगे और बाकी सब्जेक्ट की भी जल्दी अपलोड हो जाएगी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना चलिए थैंक यू थैंक्स फॉर